से ना बच्चे बड़े ही प्यार करते हैं इस बाइक को, ये तो मैंने देखा है। ग्रीन कलर की बाइक सबके दिमाग में एक ही है कि भाई निंजा ज़ेड-एक्स-10R। तो आज का दिन आप लोगों के लिए हो सकता है आप लोगों को किसी को अच्छा ना लगे, किसी को अच्छा लगे, या पहली बात तो मुझे तो बुरा लग रहा है, बट जो होना वो तो हो गई, क्या कर सकते हैं। टाइम के साथ बदलाव हर चीज़ में ज़रूरी है। आवाज़ देखो क्या आवाज़ है यार भाई की। और भाई हम जा रहे हैं आज कहीं बाहर, मतलब कि साकेत साइड, तो देखते हैं कहाँ जाते हैं साकेत में, आप लोगों को वीडियो में आगे पता चल जाएगा। कुछ स्पेशल पर्सन आप लोगों से मिलेंगे आज। हम बाइक को कराएंगे सबसे पहले वॉश, क्योंकि मेरे को मिट्टी बिल्कुल पसंद नहीं खासकर इस बाइक पे, तो यहाँ पे कराते हैं भाई हम वॉश। और मैं जब भी बाइक को वॉश कराता हूँ ना, इसको पता नहीं कहाँ से पता लग जाता है ये जब भी पहुँच जाता है यहाँ पे। नियर बाय रहते हो क्या भैया, या आपका ही शोरूम है ये? अपना ही है। अच्छा, तो जब भी बाइक वॉश कराता हूँ हमेशा आ जाता है, नियर बाय होता है, आवाज़ सुन जाती है, इसको पता कि इधर ही आया हुआ बाइक को धुलवाने के लिए। बाइक फुटगातू है घर का, पूरे सोनीपत में है ही एक ही, पूरे सोनीपत में है ही एक ही। डुकाटी देखी थी, देखी थी ना, डुकाटी थी ना, कावासाकी तो नहीं है ना। Does me a shit hand. All of a sudden, you're the first to come. Always there to help and listen. You're just a friend when I come undone. I have to fall apart to get to see you again. You only have a heart when mine is bleeding. तो भाई वॉशिंग वगैरह हो गया है, अभी चलते हैं अपने सीता ऑफिस, उसके बाद फिर निकलते हैं दिल्ली के लिए। सुना दे। अरे भाई वो एक मेरे तो खींच के फोटो नीचे तो खींच। हाँ हाँ चल ठीक है। आधे पौने घंटे से ना वेट कर रहा था ये लड़का बाहर, और मैं इसको मैसेज किया था इंस्टाग्राम पे, मैं करके मैं भूल ही गया था कि हाँ भाई कोई वेट कर रहा है, मैं भूल गया, क्योंकि एंड टाइम पे ना एक क्लाइंट का कॉल आ गया, उसको कोटेशन वगैरह भेजने में टाइम लग गया मेरे को। चलो अभी निकलते हैं फटाफट। यहाँ पे भाई दिल्ली में हमेशा ही ट्रैफिक रहता है। बाइक चला के है ना मेरे को गूगल मैप की है ना आदत से छूट गई, क्योंकि इसमें मैं कहीं लगा ही नहीं सकता, तो वैसे मेरे को रास्ता याद रखना पड़ता है या किसी से पूछना पड़ता है या फिर फोन निकाल के मैप चेक करना पड़ता है। मोस्टली क्या होता है कि मैं निकल ही जाता हूँ, हल्के फुल्के रास्ते याद तो रहते ही है। क्या डाल दूं? आईडी अपनी डाल दीजिए। डाल दिया RRD व्लॉग्स। तो भाई आपको देखना है कि मैं किससे मिलने आया हूँ, सही में देखना है, तो चलो बाइक से नीचे उतरते हैं और फोन वाले कैमरे से मिलते हैं, उससे आपको दिखाते हैं। ये लो जी, तो ये देखो भाई, इनसे मिलवाना था आपको, लेकिन यहाँ पे एक पंगा हो गया, बहुत तगड़े वाला तगड़ा हो गया भाई। अब वो क्या पंगा हो गया, वो ये हो गया इस बाइक को लेके,
वो कह रहे हैं कि मेरी यहाँ पे ना लाइनअप है ना 5 बाइकें होती थी हाँ। और मेरे को यही बाइक फ्रेम में चाहिए थी। और आज ऐसे लग रहा है कि ना मतलब कुछ जो कमी थी ना ऑफिस में वो फुलफिल हो गई है, क्योंकि मुझे मेरी 5 बाइकों की आदत थी, एक अपने लिए प्राउड था, और आज भी वापस आ गए ना तो बस मेरी नीयत बिगड़ गई भाई। और लिटरली पता क्या हो रहा है पाजी ये बोल रहे हैं मेरे को बाइक देनी ही नहीं है भाई, मैं दूंगा ही नहीं, जो मर्जी कर ले तू, वीडियो बना आज रो पीट जो मर्जी कर, ऑफिस में बाइक तू अपनी मर्जी से ले जाना, ऑफिस से बाहर बाइक मिल जाएगी। मैं कम से कम 7-8 महीने हो गए थे मैं आज पाजी से बात हुई, मैं चलो पाजी मिलने के लिए आता हूँ, पाजी भी आज फ्री थे, आज का टाइम दिया, बोले ठीक है आज मिलते हैं, लेकिन जैसे ही बाइक देखी यहीं पे, मैं कम से कम यहाँ पे मेरे को टाइम हो गया अभी 3-4 घंटा इसी चीज पे डिसीजन चल रहा है कि पाजी मेरे को घर जाने, तो वो कह रहे हैं चला जा तू घर, बाइक ले जा ले जा, बट ये नहीं जाएगी, ये नहीं जाएगी, ये नहीं जाएगी, ऐसा होता है कभी बताओ यार, ऐसा होता है। वो कह रही है आप रख लो मैं आपकी फरारी 3.0 बनने के लिए तैयार हूं। ये तो बात सही है कि पिछले 1 साल से मैं इस बाइक को बिल्कुल नहीं चला रहा हूं, और मैंने बीच में पाजी को भी कई बार फोन करा, पाजी कोई ट्रिप बना लो चलते हैं मैं थोड़ा चला लूंगा, लेकिन वो हो नहीं पाया, तो मेरे को ये था कि चुल मचेरी चलो ठीक है बाहर निकलता हूँ घूम के आता हूँ, आज छुट्टी थी मेरी ऑफिस की, तो आज तो अच्छा है, मेरी किस्मत भी अच्छी है और वैसे दिन भी बहुत अच्छा है जो लोग मानते हैं, क्योंकि नवरात्रि का पहला दिन है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आज ना शुभ दिन पे कोई शुभ चीज मेरे ऑफिस में आई है और मेरे पे बहुत खिलेगी पक्की। अच्छा, बात मेरे को क्या दिलाओगे फिर भाई? चलो मैं ठीक है मैं एक बात सोचू, वो वीडियो के बाद भी डिसाइड करेंगे, बट पहले तू डिसाइड कर ले जो मैं तेरे को ऑफर दे रहा हूँ, क्योंकि अब ये बाइक यहाँ से तो नहीं जाएगी भाई, जो मर्जी कहता ना रंगीन कलरफुल सा भरा भरा खिला खिला ऑफिस लग रहा है। बाय द वे पाजी इसका आपने प्री नाम रखा है, मैंने इसका डूडू रखा हुआ है, डूडू 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 ठीक है यार, ये हम ओ लग लेंगे परी एके डूडू समथिंग लाइक दैट, तेरे लिए वो भी कर लेंगे, बट अब ये भाई यहाँ से नहीं जाएगी जो मर्जी कर लो। तो चलो भाई अभी तो हम ना गाड़ी करके घर पे जा रहा हूँ, क्योंकि पाजी तो बिल्कुल मानने के लिए तैयार है ही नहीं, वो नहीं मानेंगे भाई, आज रात को मैं इसको चलाऊंगा, अप्रोच लगा दो तो मैं अभी चलाने जा रहा हूँ, बस ट्रैफिक टाइम कट जाए 1.5 घंटा, कैसे बैठा हूँ ऑफिस में मुझे पता है, मुझे सब कुछ रेडी है, ये वाला हेलमेट लेके जाओगे आज मुझे फील लेनी है, हाँ मैं वो वाला नहीं, अभी मैं आजकल XOR पहनता हूँ, XOR पहनूंगा, ये सिर्फ ऐसे शोपीस है, 1 साल हो गया नहीं पहना मैंने। अच्छा, मैं तो हमेशा ये डाल दूंगा, बहुत अच्छा हेलमेट है, ग्राफिक्स भी बहुत अच्छे हैं, बट अभी बहुत टाइम से मैंने पहना ही नहीं है। तो चलो भैया सबसे पहले तो अपनी कार बुक करते हैं, निकलते हैं यहाँ से, उसके बाद में सोचते हैं घर जाके, मैं भी सोचता हूँ कि जो पाजी ने बोला है वो सही सोचना पड़ेगा, क्योंकि मेरे को ऐसा है भरोसा है तेरे पे, तू लेकिन एक चीज तो है फिर खड़ी कर देगा पाजी, चलाएगा पाजी एक चीज बताओ, ये वीडियो बोल रहे हो इन केस आप लेते हो तो क्या मैं इसको फिर कभी चला सकता हूँ? क्यों बिल्कुल 100% ये ओपन ऑफर रहेगा, जब याद सताए मोस्ट वेलकम कम ज्वाइन अस ऑन अ संडे। ऐसा है सब लोग ये पता है कि मैं महीने में मुश्किल से एक बार या 2-3 महीने में 1 बार चलाता हूँ, मेरे साथ भी मेरे ऑडियंस को पता है, मेरे दोस्त यार हैं जिन पे भरोसा है ना वो चलाते हैं, अपनी है अपनी बाइकें हैं, क्योंकि 5 में वो ना अक्षय कुमार हूँ ना मेरे वो ऑक्टोपस वाले 6 आते हैं कि एक टाइम में 5-5 बाइकें चलाऊंगा, रखने का शौक है लेने का शौक है और स्विच करता रहता हूँ, एंड यू आर ऑलवेज वेलकम टू ज्वाइन ऑन द राइड एंड यू कैन राइड दिस। चलो ये तो मिलेगी, वैसे ही मैं इतनी चलाता था, इतनी चलाता साल में 1-2 बार उतना तेरे को मिलेगा ही, और अभी जो तेरे को आइडिया दिया है अगर वो हो गया तो डेफिनेटली रोड ट्रिप भी साथ में करेंगे, तब भी स्विच कर लेंगे, जो तू चला रहा होगा वहां चला लेंगे, डन डन, तो अपने को कमी नहीं महसूस होगी। चलो फैमिली में बाइक देने का फायदा यही है, फायदा यही है, सही। चलो ऐसे ही यहाँ खड़ी रहती है, ऐसे ही घर खड़ी होती है, और यहाँ ना धूप लगेगी ना चूहों का खतरा है। चलो फिर गाड़ी में बैठते हैं अपने, निकलते हैं घर की तरफ, मिलते हैं फिर आपको नेक्स्ट ब्लॉक में, तब तक के लिए बाय, खुश रहो आबाद रहो घूमते रहो, क्या पता कल हो ना हो। यस बहुत अच्छी बात है। I have to fall apart to get to see you again.